आज हम बना रहे हैं चिकन लच्छेदार हांडी। तो सिस्टर बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you are doing well and you are watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram. Instagram का handle आपको ऊपर नजर आ रहा होगा Laila155, तो जैसे जाकर मुझे Instagram पे follow करें। So आज की video start करते हैं और जैसे कि आपने starting पे देख भी लिया होगा कि आज आपको किचन में फिर से हमजा नजर आने वाला है। लास्ट व्लॉग में जो आपने रेसिपी देखी थी वो हमजा की ही थी और हमजा ने ही वो बनाई थी, और आज की जो रेसिपी है वो मेरी है, लेकिन यहाँ पे आज किचन में हमजा मेरे साथ हेल्प करने वाला है क्योंकि आज उसने मॉर्निंग में नाश्ता भी अपना खुद बनाया था और आजकल उसको बहुत शौक हो रहा है थोड़ा बहुत ना कुकिंग का सीखने के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, उसको अंडा बॉयल करना भी नहीं आता, तो इसीलिए वो थोड़ा ना लगा हुआ है आजकल मेरे साथ। तो मैंने सोचा फिर मैं आज आपके साथ जो है ना वो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी बहुत मज़े की है, आगे जाके हमजा आपको बताएगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी। और अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं रेसिपी तो एक ही बना रही थी लेकिन ना आगे जाके रेसिपी मेरी दो हो गई, तो मैंने वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और आगे सारा व्लॉग तकरीबन आपको वॉइस ओवर के बगैर ही आज मिलने वाला है क्योंकि मैंने लाइव व्लॉग की ट्राई की थी, और मुझे बताइएगा कि वो कैसा बना। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन लच्छेदार हांडी। तो सिस्टर बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं मुझे सीखने का भी मौका मिल जाएगा। तो अभी प्याज इधर फ्राइड हो रहे हैं और इधर चिकन बॉईल हो रहा है, तो यहाँ पे प्याज फ्राइड हो रहे हैं और यहाँ पे जो है चिकन बॉईल हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मसाले वगैरह यूज़ होंगे वो पड़े हैं। अभी फ्राइड होने का इसका इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाएँ फिर उसके बाद जो है इसमें ऐड करते हैं चीज़ों। तो हमजा आ गया किचन में मेरे साथ और वो मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग पे कि वहाँ पे चिकन जो है मैंने बॉयल होने रखा हुआ है और यहाँ पे प्याज है वो फ्राई हो रहे हैं, बाकी सारे मैंने मसाले वगैरह यहाँ पे काट के रख चुकी हूँ। और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ चिकन लच्छादार हांडी, और आई होप सो कि अच्छी बनेगी। अगर अच्छी बनी ना तो लाजमी मैं आपके साथ इसको ना इसका रिव्यू जो शेयर करूँगी लास्ट पे कि वाकई अच्छी बनी कि नहीं बनी और आप इसको बना सकते हैं कि नहीं, और अगर अच्छी बनी तो आप दांतों में इसको मतलब आपकी को डिश में इजाफा हो जाएगा। और हमजा जो है वो मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, और अगर अच्छी बनी तो ये मैंने बनाई होगी, मेरी मेहनत होगी, और अगर अच्छी ना बनी तो फिर ये आपकी है। तो ये होते हैं लड़के, लड़के हमेशा ऐसे ही करते हैं, कोई भाई हो, शोहर हो, बाप हो, कोई भी हो, मतलब हंडिया में चम्मच हिला के चले जाएंगे ना तो कहते हैं सारा कमाल हमने कर दिया है। मेहनत हालांकि सारी लेडीज की होती है, लेकिन खैर चले इनको भी रिवार्ड देते हैं क्योंकि आज मेरे किचन में आए हैं तो बहुत काम कम नजर आते हैं कोई मेरा। आपको पता है कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो हेल्प मेरी कोई किचन में कम कम ही करता है, आलिया तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सारी चीज़ों में। और हमजा आज कल है ना वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत मुझे ना आना चाहिए कि कभी इंसान को खुद से भी बनाना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर प्याज फ्राई करूँगी, इनको हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है क्योंकि हमने मसाला बनाना है, बिरयानी वगैरह तो बनानी नहीं है। तो हमजा से कहती हूँ कि मेरा मोबाइल पकड़े और मैं आपको आगे रेसिपी दिखाती हूँ, या हमजा से ही कहती हूँ कि वो आपको रेसिपी बता दे, मैं बना देता हूँ आप मुझे बताते जाना। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या, जो मेरा ट्राईपोड था मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, वो जो है ना हमजा ने तोड़ दिया। हमजा को व्लॉगिंग का नया नया शौक चढ़ा हुआ, चैनल बना लिया, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी यहाँ पे, और बस इसने उसी चक्कर में ना मेरा ट्राईपोड जो है ना वो तोड़ दिया। और बस यहाँ पे प्याज जो है हमें जिस तरह से चाहिए थे वो हो गए, तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सारे नहीं, पहले भी इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो जैसा हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसको आप ट्राई करेंगे। मैंने हमने जस्ट अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। भाई यहाँ पे हमारी चिकन लच्छेदार हांडी रेडी हो रही है, जिसमें सिस्टर को बनाने में मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, इससे ये फायदा होगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत खाना बनाना आ जाएगा। हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे क्योंकि लहसुन अदरक जो है ना वो तकरीबन एक दो मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे साथ में, ठीक है, बाकी हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए। और इस तरह से अब इसको करेंगे हम फ्राई, हम अभी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे जब तक टमाटर जो हमारे ना नरम नहीं हो जाते ना, तब तक इसमें स्पाइसेस वगैरह तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो आज आप मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह से लाइव व्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि यूजली तो मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ
तो वो भी आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं एडिशन कर देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है या दूसरी तरह वॉइस ओवर के साथ मेरे लोग अच्छे लगते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी ये चीज़ बता दी है। तो ये मैंने स्पाइसेस निकाल दी हैं और इसमें मैंने डाली है हल्दी, साथ में चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च साबुत ली है, बाकी पिसा हुआ गर्म मसाला लिया है जिसमें एक बड़ी इलायची भी मैंने ली है, और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, साथ में लाल मिर्च का पाउडर। तो बस अब ये चीज़ें सारी उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन हो चुकी है मसाले की। तो बस ये जो है ना किसी हद तक हो गया है। अब हम सारे स्पाइसेस जो है ना इस तरह से सारे इसमें ऐड कर देंगे और साथ में मैं इसमें ना यहाँ से चिकन स्टॉक लेके ऐड कर दूँगी ताकि जो फ्लेवर है ना चिकन का वो भी इसमें आता रहे, ज़ाया नहीं होना चाहिए हमारा चिकन स्टॉक जो है ना। तो बस अब इसी तरह इसको फ्राई करेंगे सारे मसाले को। और चिकन को करना क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। चिकन हमने निकालना है अभी और निकाल के उसका करना क्या है, किस तरह से हमारी इंडिया तैयार होगी वो आपको मैं बताती हूँ अभी। अभी फ़िलहाल हम इसका मसाला जब वो फ्राई कर लें, इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैं चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी ताकि फ्लेवर फुल बने ना, मसाला भी मसाले में भी फ्लेवर आ जाए। तो जी चिकन को हमने कर लेना था श्रेड, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये लच्छेदार रेशेदार जो है ना चिकन कढ़ाई में बना रही हूँ आज। तो उसके लिए मैंने चिकन को पहले बॉयल किया था, उसके बाद उसके मैंने यहाँ पे उसको आप देख लें कि श्रेड कर दिया है, रेशे रेशे कर दिया है, और उसको इस तरह से मसाले में मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिकन स्टॉक जो है ना वो इसमें मैं ऐड करती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद ताकि उसमें सारा फ्लेवर रहे। उसमें दही डाल के मैंने उसको भून लिया था, साथ में चिकन स्टॉक ऊपर डाल के उसको मैंने ढक के रख दिया, अब वो दम पे पकेगा। अच्छा बाकी जो चिकन स्टॉक यहाँ पे बचा था ना उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया था, तो मैंने सोचा उसका सूप बना लेते हैं। तो बस मैं कोई वेजिटेबल्स नहीं डाल रही हूँ, जस्ट चिकन और अंडे का सूप मैंने बनाया था और जो कि बहुत ही मज़ेदार बन गया था। अच्छा रैंडम ही मैंने बनाया था क्योंकि चिकन स्टॉक बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी बन गई थी, क्योंकि आस्ते आस्ते चिकन पक रहा था तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज़ कर लें, उसको ज़्यादा लाजमी आपने करना है। तो बस मैंने वहीं खड़े खड़े ना ये रेसिपी बना ली, तो आपने देखा कितना ईजिली बन गया। चिकन स्टॉक के अंदर चिकन था तो उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थिक कर दिया, उसके बाद मैंने उसमें एग डाल दिया और साथ में मैंने उसमें डाल दिया जी काली मिर्च का पाउडर और साथ में मैंने वो स्पाइसेस ऐड कर दिए और बाद में उसको मतलब वो पी लिया था एक सॉस बना के उसके साथ। तो बहुत मज़े का बन गया था क्योंकि भूख भी सबको लगी हुई थी, तो हमजा ने भी इंजॉय कर लिया सुपर, हम लोगों ने भी पी लिया तो थोड़ा सा आसरा हो गया था। अच्छा यहाँ पे अब मैंने उसका ढक्कन उठा दिया, अब इसकी हम यहाँ पे करेंगे भुनाई और हम मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला मज़ीद डाल दिया, तो उसकी भुनाई हो रही है और दूसरे चूल्हे पर मैंने यहाँ पर रख दिया है कोयला। और मैं बताऊं इस पूरी रेसिपी में ना सारी गेम जो है वो कोयले की है, उसका जो स्मोक इसमें उसका फ्लेवर गया था ना वो बहुत मज़ेदार हो गया था, क्योंकि जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि अच्छी बनेगी तो मैं आपको उसके रिव्यूज़ भी दूंगी। तो क्या हुआ था कि जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब ये ना बिल्कुल ऐसे मसाले में उबला हुआ चिकन डाल के तो कोई फ्लेवर तो आएगा नहीं, लेकिन जब मैंने इसमें उसकी भुनाई की, दही डाल के सारी चीज़ें डालकर ऊपर से मैंने जब इसको धुआं दे दिया ना कोयले का, तो वो इतना मज़ेदार बन गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग कोई बारबेक्यू की चीज़ खा रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, चिकन कढ़ाई से भी मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है। तो बस अब इसको इस तरह से मैं हंडिया में डाल दूंगी ताकि प्रेजेंटेशन जो है ना वो भी अच्छी लगनी चाहिए, और आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप बाउल में निकाल सकते हैं, और अगर आप कढ़ाई में बना के रख के वैसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट आपके लिए प्रेजेंटेशन करके दिखाई है जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना चूल्हे पर रख दिया था ताकि हंडिया जो वो गर्म हो जाए और सालन थोड़ी देर के लिए ना गर्म रहे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाया था खाना, सैलड बना ली थी साथ में मैंने थोड़ी सी जो कि बहुत ही मज़े की लगती है आपको पता है इस तरह के चीज़ों के साथ, और साथ में रायता लिया था, साथ में अम्मी ने फटाफट से फुलकियाँ बना ली थी जो कि बहुत मज़ेदार है। और बस हम यहाँ पे खाना खाएंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।